मम्मी नहीं पसंद है हमें ये प्लेन ब्रेड, आप प्लीज कुछ और बनाया करो। अगले दिन मम्मी बच्चों के लिए ब्रेड, शेक और मफिन लेकर आती है। वाह मम्मी, मैं तो मफिन और शेक ले रही हूँ, आप ब्रेड वापस ले जाओ। बेटा ब्रेड खाकर तो देखो, आज मैंने तुम दोनों के लिए कुछ अलग बनाया है। यम्मी, मम्मी आपने इसमें क्या डाला है इतना टेस्टी? तो आज मैंने बोयो का चॉकलेट पीनट बटर यूज किया है, जो कि टेस्टी तो है ही और तुम दोनों के लिए हेल्दी भी है। वाह मम्मी, क्या इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं? हाँ बेटा, और इस पीनट बटर के साथ मैं और भी डिशेस बना सकती हूँ, बस अब तुम मेरा कमाल देखो। बच्चों, अगर तुम्हें भी टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना है तो अभी अपनी मम्मी को बोलो कि बोयो का पीनट बटर ले आए। मम्मी के मम्मी। गट्टू और चिंकी स्कूल की छुट्टी के बाद वापस घर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में अपना क्लासमेट सोनू दिखा। अरे ये तो सोनू है ना चिंकी? हाँ गट्टू, पर ये स्टेशनरी पर क्या कर रहा है? चलो ना, चलकर उसे पूछते हैं। हाँ चिंकी चलो। फिर गट्टू और चिंकी सोनू के पास जाकर उससे पूछते हैं। सोनू तुम क्या ले रहे हो? हाँ सोनू हमें भी दिखाओ ना। अरे गट्टू चिंकी, मैं तो हैंडमेड पेपर और ग्लिटर्स खरीद रहा हूँ। अच्छा, पर क्यों? अरे अपनी मम्मी के लिए कार्ड बनाने के लिए, मदर्स डे आने वाला है ना, तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा हैंडमेड कार्ड बनाऊंगा। अरे बाप रे गट्टू, हम तो भूल ही गए मदर्स डे आ रहा है, हमने तो अब तक मम्मी के लिए कोई सरप्राइज प्लान ही नहीं किया, अब क्या करेंगे हम? अरे हाँ चिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से मम्मी के लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान करना होगा। अच्छा सोनू, अब हम चलते हैं, तुम्हें ऑल द बेस्ट तुम्हारे कार्ड के लिए। फिर गट्टू और चिंकी सोनू को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में गट्टू चिंकी से पूछता है, चिंकी क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? गट्टू क्यों ना हम भी मम्मी के लिए कार्ड बनाएं? पर चिंकी हमने तो लास्ट ईयर भी मदर्स डे पर मम्मी के लिए कार्ड ही बनाया था ना। अरे हाँ सही कह रहे हो तुम। फिर थोड़ी देर तक दोनों सोच में पड़ जाते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाएं? अरे वाह चिंकी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है भला? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ जरूर मम्मी की फेवरेट डिश गाजर का हलवा होगी, क्यों ना हम वही बनाएं या फिर केक। अरे गट्टू ये तो मम्मी की फेवरेट डिश बता रहे हो या अपनी? एक काम करते हैं, क्यों ना हम चलकर पापा से पूछे। हाँ ये ठीक रहेगा। ये तय करते ही गट्टू और चिंकी घर में एंट्री करते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से पापा आए और मम्मी की फेवरेट डिश उन्हें बताए। रात होते ही पापा ऑफिस से आते हैं और डिनर करने के बाद लिविंग हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। तभी गट्टू चिंकी मम्मी को किचन में काम करता हुआ देखकर उछल के पापा के पास आते हैं। पापा हमें आपसे कुछ जानना है। हाँ पापा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर भला तुम लोगों को ये क्यों जानना है? गट्टू चिंकी पापा को पूरी बात बता देते हैं। अच्छा अच्छा बच्चों, अब मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी की फेवरेट डिश तो शायद मटर पनीर होगी। अरे पापा मम्मी को तो पनीर से एलर्जी है, भूल गए आप? चिंकी शायद पापा को भी ये नहीं पता कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है, अब हम क्या करें? गट्टू जैसे मम्मी को हमारे बारे में सब पता है, तो ऐसे में मम्मी की मम्मी को भी तो मम्मी के बारे में सब पता होगा ना? चिंकी मैं कुछ समझा नहीं। अरे गट्टू मैं नानी जी की बात कर रही हूँ, नानी जी को जरूर पता होगा कि मम्मी की फेवरेट डिश कौन सी है। इतना कहते ही गट्टू चिंकी दोनों पापा से नानी को कॉल करने को कहते हैं। अच्छा बच्चों रुको, अभी कॉल करते हैं नानी जी को। इतना कहकर पापा नानी जी को कॉल करते हैं। नमस्ते नानी जी। अरे बच्चों नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? और आज अचानक से मेरी याद कैसे आई? नानी जी कुछ ही दिनों में मदर्स डे आने वाला है और हम मम्मी के लिए उनकी फेवरेट डिश अपने हाथों से बनाना चाहते हैं। हाँ नानी जी, तो क्या आप हमें ये बता सकती है कि जब मम्मी छोटी थी तो उन्हें आपके हाथ की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद थी? अरे बच्चों
तुम्हारी मम्मी को तो मेरे हाथ का गुड़ और इमली के साथ भुनी हुई भिंडी की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। बचपन से ही उसे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जब से मैंने उसे इस रेसिपी से भिंडी बना कर खिलाना शुरू किया, तब से भिंडी की सब्जी उसकी फेवरेट हो गई। अरे, पर मम्मी यहाँ तो कभी भिंडी नहीं खाती। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मम्मी को भिंडी इतनी पसंद होगी। हाँ घट्टू बेटा, ऐसा ही है, पर तुम्हारी मम्मी को सिर्फ मेरी ही रेसिपी वाली भिंडी पसंद है। कितने साल हो गए तुम्हारी मम्मी ने वो भिंडी की सब्जी नहीं खाई। तो नानी जी, क्या आप हमें मदर्स डे के लिए अपनी स्पेशल भिंडी की सब्जी की रेसिपी बताएंगी? हाँ हाँ बेटा, जरूर। अब मैं अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम एक काम करो, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे रेसिपी लिखते जाओ। और आखिरकार मदर्स डे आ ही जाता है। आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि वो गट्टू और चिंकी की हेल्प कर सके मम्मी की फेवरेट डिश बनाने में। मम्मी मार्केट गई हुई थी और ये बिल्कुल सही टाइम था उनके फेवरेट डिश बनाने के लिए। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी से काम पे लग जाते हैं। तुम्हारी मम्मी के आने से पहले हमें उनके लिए ये डिश तैयार करनी है। हाँ पापा, देखिए मैंने भिंडी धोकर रख दी है। पापा, मैंने भी इमली को पानी में भिगो दिया है। वेरी गुड बच्चों, अब मैं भिंडी काटूंगा और तुम लोग नानी जी की रेसिपी को जोर से पढ़कर मुझे सुनाओ। हाँ पापा, सबसे पहले आपको भिंडी को नानी जी के बताए हुए मसालों में अच्छे से फ्राई करना है और फिर 3 कप पानी डालना है। अच्छा ठीक है गट्टू, रुको। हाँ अब आगे बताओ, अब क्या करना है? अब आपको इसमें भीगी हुई इमली और गुड़ ऐड करना है। अच्छा और ठीक है। लाओ ना गट्टू, मुझे दो डायरी, अब आगे की रेसिपी मैं पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है चिंकी, ये लो। हाँ तो पापा, अब आपको गैस तेज करके सब्जी को पकने देना है और थोड़ी देर बाद इसमें नमक डाल दीजिएगा। बच्चों भिंडी बस बनकर तैयार होने ही वाला है। अब हमें इसमें केवल तड़का लगाना है। और ये लो, तड़का भी लग गया। आहा, क्या खुशबू आ रही है ना बच्चों? हाँ पापा, क्या खुशबू आ रही है इस डिश से। हाँ खुशबू से तो लगता है कि सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी होगी। यकीन ही नहीं होता कि इसे हम सबने मिलकर बनाया है। अरे हमने कहा बनाया है, सब्जी तो केवल पापा ने बनाई है ना। तो क्या हुआ, बिना हमारी मदद के वो इतनी अच्छी सब्जी अकेले थोड़ी ही ना बना पाते, है ना पापा? हाँ बच्चों, ये तो बिल्कुल सच है, तुम्हारी मदद के बिना अकेले ये पॉसिबल ही नहीं था। चलो अब जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मम्मी बस आती ही होंगी। थोड़ी देर में मम्मी मार्केट से वापस आ जाती है। उन्हें घर में आते ही एक जानी पहचानी से खुशबू आती है। आप लोगों ने कुछ बनाया है क्या? मुझे ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पापा, चिंकी और गट्टू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और मम्मी को उनकी बनाई हुई डिश दिखाते हैं। अरे वाह, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है और आप सबने इसे आखिर बनाया कैसे? मम्मी, हमने नानी जी की हेल्प लेकर ये डिश बनाई है। आइए ना मम्मी, खाकर बताइए कि आखिर ये बनी कैसी है। फिर मम्मी भिंडी की सब्जी खाती है। वाह, बिल्कुल मेरी मम्मी के हाथों का स्वाद है इसमें, मजा आ गया, बचपन की यादें ताजा हो गई आज। गट्टू और चिंकी एक साथ हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। फिर मम्मी कहती हैं, थैंक यू बच्चों, और आपको भी थैंक यू। मुझे ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया, कितनी मेहनत की आप लोगों ने मेरे लिए। अरे गट्टू चिंकी की मम्मी, आप भी तो हमारे लिए रोज इतनी मेहनत करती हैं, तो भला क्या हम नहीं कर सकते? फिर मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और गट्टू और चिंकी उनके पास जाकर उन्हें गले से लगा लेते हैं। एक बार फिर से थैंक यू बच्चों, ये सरप्राइज सच में बहुत पसंद आया मुझे। गट्टू और चिंकी मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।